नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पिछले माह एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया था, जिसमें जांच के बाद एक वीडियो फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस युवक के चलते मृतक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले माह हेमंत उर्फ हितेश नामक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया था। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पुलिस को एक वीडियो फुटेज मिला, जिसमें मृतक युवक द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें उसने आत्महत्या के पहले वीडियो बनाकर ये कहा था कि उसका बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले गोलू उर्फ विजय यादव बाणगंगा निवासी उसका रुपयों का लेन देन है। उसके द्वारा एक मकान का सौदा किया गया था, जिसमें उसने बयाने के रूप में 10 लाख रुपए दिए थे और वो ना तो मकान दे रहा था और ना ही रुपए वापस कर रहा था, जिसके चलते वो काफी परेशान हो गया था, जिसके चलते वो जहर खा रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपी गोलू उर्फ विजय यादव के खिलाफ वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 18/5/2023 को 1700 बजे थाना सदर बाजार पर मुकेश पिता अमोल सिंह रघुवंशी के द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि हेमंत उर्फ हितेश राम सिंह, उम्र 42 साल, निवासी 42/2 सदर बाजार मेन रोड इंदौर के द्वारा अज्ञात जहरीली वस्तु ली खा ली गई है, जिसे अस्पताल ले गए हैं, जिस पे से मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। दौरान मर्ग जांच एक वीडियो फुटेज मिला है, जिसमें मृतक के द्वारा अपनी मृत्यु का कारण गोलू उर्फ विजय यादव पिता बाणगंगा निवासी को बताया गया है कि मेरा रुपयों का लेन देन था, रुपयों के लेन देन के कारण वो मेरे 10 लाख रुपए हैं वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, इस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये बाणगंगा के निवासी हैं, विजय उर्फ गोलू। ये एक प्रॉपर्टी के मैटर में था, प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला था, 1 करोड़ 10 लाख का, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्हें बयाने पेठे दिए थे, बाकी 1 करोड़ रुपए और देना था। 2011 का मामला है। हाँ, इसमें आज आरोपी गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। सब इंस्पेक्टर किशोर बागड़ी, थाना सदर बाजार इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।